सो इस प्रैक्टिकल के बारे में जो चीजें लेके आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो और 12th स्टैंडर्ड में हो, दोनों के लिए 11th स्टैंडर्ड में हो, अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको बहुत हार्ड लग रहा है, सब सर के ऊपर से जा रहा है, फिर भी आप पास होना चाहते हो, तो भाई जो चीजें बता रहा हूं उसको फॉलो करो। इसीलिए ज्यादातर बच्चे 11th में आराम से पास हो जाते हैं, उसका देन होता है प्रैक्टिकल एग्जाम। दूसरी बात, 12th में ज्यादातर बच्चे साइंस में क्यों पास होते हैं, कॉमर्स के कंपैरिजन में साइंस का रिजल्ट ज्यादा बेटर क्यों होता है, हमेशा आप बहुत लोग शौक हो जाओगे ऐसा सर की साइंस तो हार्ड है, बट हर साल ना साइंस के बच्चे ज्यादा पास होते हैं, उनका रिजल्ट कॉमर्स के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा होता है। इसके पीछे का रीजन है प्रैक्टिकल्स। क्यों प्रैक्टिकल्स? क्योंकि यहाँ जो कंबाइंड रूल है ना गाइस, यहाँ कंबाइंड रूल इतना प्यारा है, इतना प्यारा है ना, मैं क्या ही बताऊं। आपको यहाँ कंपलसरी नहीं है कि रिटर्न में इतना मार्क्स चाहिए, प्रैक्टिकल में इतने मार्क्स चाहिए तो ही ऐड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिकल में मान लो 30 out of 30 मिल जाता है, रिटर्न में जैसे मान लो 5 ही मार्क्स मिलेगा, फिर भी 30+5 पास 35 पास। तो इसीलिए 12th के बोर्ड एग्जाम के अंदर ये मार्क्स हमें बहुत पूरे, मतलब हमारा तो यही रहता है कि पूरे के पूरे चाहिए। तो अगर आपका टारगेट है, अगर आपको पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए, 11th में पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए, तो जो टीचर प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो प्रैक्टिकल्स करवा रही है उस पर अच्छा फोकस करो, सबमिट करते जाओ, आपको देखो मार्क्स मिल जाएगा और आप पास हो जाओगे। मेनली फोकस 12th में क्या होगा, 12th में टीचर जब टू जब टाइम टू टाइम बोले कि भाई इस दिन प्रैक्टिकल बुक्स लेके आना, लेके चले जाओ, टीचर बोले कि ये परफॉर्म करो, दिखाओ कि परफॉर्म हो रहा है, हो सकता है आपका रीडिंग नहीं आ रहा है, फिर भी ट्राई करो, करते रहो। टीचर अगर गुस्सा कर रही कुछ भी मत बोलो, रीडिंग गलत आ रहा है कुछ भी मत बोलो, कोई भी आर्गुमेंट बिल्कुल मत करो, जो भी सबमिशन है वो सही टाइम पे करो, और अगर टीचर उसके अगेंस्ट भी कुछ बोलती फिर भी कुछ मत बोलो। क्योंकि गाइस एट द लास्ट मैं बोलूंगा कि पूरे के पूरे मार्क्स टीचर के हाथ में होते हैं। पर एक चीज और बोलूंगा, बहुत सारे बच्चे डरे समय रहते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी जगह कुछ सब टीचर्स हैं, कुछ टीचर बिना मतलब का भी बहुत सारे बच्चों को परेशान करते हैं, तो और बहुत सारे बच्चे इन मार्क्स के कारण बहुत बार बोलते नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा भी कुछ नहीं है, टीचर्स को आपको लास्ट में मार्क्स देना तो देना ही पड़ता है, क्योंकि मार्क्स मैनेजमेंट के भी हाथ में जाता है, उनको दिखता है कि भाई ये बच्चों को मार्क्स दिया, इसको क्यों नहीं मार्क्स दिया हुआ है, तो ये दिखता है। तो भाई इसलिए बोलूंगा कि ये टेंशन लेके मत चलो, हाँ अपना काम सब कुछ सही समय पे और बहुत अच्छी तरीके से करते जाओ, अच्छी तरीके से करते जाओगे तो एट द लास्ट आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स मिलेंगे। हाँ अगर टीचर से रिलेशन बहुत अच्छा है तो भाई पूरे के पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस है, अगर टीचर से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो 1-2 मार्क्स कटने के चांसेस रहेंगे, बाकी ऐसा नहीं कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में वो फेल कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। इसलिए बोल रहा हूं अगर ये भी आप चाहते हो कि आपको मार्क्स मिले तो प्रैक्टिकल बुक सबमिट कर देना, और लास्ट में कुछ हम एग्जाम के जब आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे उस समय हम कुछ वीडियोस डालेंगे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड, बस उसको देखना और रीडिंग को देखना, बस उतना करके जाना, देखना प्रैक्टिकल एग्जाम में आप फोड़ क्या होगी, समझ में आ रहा है। तो अभी के लिए बस इतना जरूरी है, टीचर से रिलेशन, बुक सबमिशन एंड एक्सपेरिमेंट के टाइम थोड़ा फोकस, बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।